यह ब्लॉग है हमारा बिड़ला मंदिर। हाँ जी, ये मथुरा का बहुत सुंदर मंदिर है। ये मथुरा जंक्शन से लगभग 6.5 किलोमीटर दूर वृंदावन मथुरा रोड पर स्थित है। मथुरा के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध बिड़ला मंदिर है, जिसे हम गीता मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ तीर्थयात्री और पर्यटक समान रूप से आते हैं। यह मंदिर हमारी जो भगवान है श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित है। इस मंदिर में गर्मियों में दर्शन करने का समय होता है हमारा सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात के 9 बजे तक। वहीं सर्दियों में दर्शन करने का समय हो जाता है 5:30 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से रात्रि के 8:30 बजे तक। ये मंदिर बहुत सुंदर है। आप देखिए, हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। बहुत प्यारा मंदिर है। अभी मंदिर के कपाट बंद है, थोड़ी देर में मैं आपको खुले हुए कपाट भी दिखाऊंगी इनके, भगवान के। आप देखिए कितना बड़ा प्रांगण है, ऊपर बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी करी हुई है। इस बिड़ला मंदिर का जो निर्माण है वह सेठ जुगल किशोर बिड़ला जी ने कराया था। यह इसमें जो है श्री कृष्ण जो हमारे चक्रधारी हैं उनकी एक विशाल प्रतिमा है। जैसे ही हम उत्तर दिशा को जाएंगे, देवालय का जो उत्तर दिशा है वहां पर एक लाल पत्थर का एक बहुत बड़ा सा स्तंभ है जिस पर आप संपूर्ण गीता उत्कीर्ण की गई है। आपको दिख भी रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको ले जाके। वहां पे ना आपको सारी हमारी जो गीता लिखी है वहां पे पूरी आपको दिख जाएगी। आप देखिए, ये आ गया हमारा गीता स्तंभ। मंदिर का जो प्रसिद्ध रमणीक उद्यान, इसमें पूरा बहुत सुंदर लगता है, बहुत मन को मोह लेता है। यह जो मंदिर है हमारा बिड़ला मंदिर, यह मथुरा का बहुत ही विशाल भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर का एक छोटा सा रूप है। मंदिर का जो प्रशस्त है वो लंबे चौड़े विशाल भूभाग से बना हुआ है। आप देखिए, ऊंची ऊंची पक्की चार दीवारी से घिरा है ये। इसमें 5 जन्य शंख है और सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री कृष्ण की भव्य श्वेत प्रतिमा प्रतिष्ठित है। साथ ही में एक साइड में हमारे सीताराम जी हैं और दूसरी जगह हमारे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी प्रतिष्ठित किए गए हैं। ये गीता स्तंभ कितना सही लग रहा है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से, अपना मन बहुत शांत रहता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना बड़ा गीता स्तंभ है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। जो ये देखिए, आप देखिए कितना सुंदर आपने मंदिर है। ये पूरा आपका एक लाल उससे बना हुआ है और इसमें सारी उन्होंने गीता अंकित करी हुई है। और अगर हम देखा जाए तो मंदिर की सुविधाएं इसमें है ना, मंदिर के सामने जो हमारे यात्रियों के विश्राम के लिए भी धर्मशाला बनी है वो भी बिड़ला मंदिर की ही धर्मशाला है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत प्यारा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। हरा भरा है, सामने पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। आप इधर से जाएंगे आप सीधे, और उद्यान बहुत अच्छे हैं, सुंदर मनमोहक मिट्टी के हाथी बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। ये हाथी गजराज जी इनको बोलते हैं वहाँ, और पूरा इनके पास जा नहीं सकते हैं, पूरा इनको घेर रखा है, जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लॉक्ड है पूरा। पर बहुत सुंदर लगते हैं गांधी जी। आप देखिए एक एक चीज कैसे मंदिर की बनाई गई है। बहुत सुंदर बिड़ला मंदिर, आप देखिए बहुत तरीके से इन्होंने यहाँ पे ग्रीनरी कर रखी है, यहाँ पे उद्यान कर रखा है अपना। बहुत नीचे को फाउंटेन पेन है, अभी तो ये स्टार्ट नहीं है बट देखने में सही अच्छा लगता है मतलब। और देखिए कितनी ऊंची ऊंची चाल दिवाली कर रखी है मंदिर के। यहाँ पे बहुत बड़ा उद्यान है ये, और बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे।
सुंदर हमारे सुदर्शन चक्र और शंख लगाए हुए भगवान विष्णु दिख रहे हैं, बहुत प्यारे हैं। ऊपर देखिए कितनी सुंदर सुंदर तरीके से इन्होंने नक्काशी की पेंटिंग लगाई है, हर तरह के हर काल की इन्होंने इसमें लगाई हुई है। और यहाँ की सबसे खास बात है कि शाम को संध्या बेला के समय में बहुत सारी महिलाएं जगह जगह से इकट्ठी होती हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन चलता है और पूरा देश गंभीर हो जाता है, मतलब आने का मन ही नहीं करता है, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए राम और सीता जी हैं, यहाँ पे हमारे राम सीता जी की बहुत भव्य मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है। ये हमारे यहाँ पे सुदर्शन चक्र है, यहाँ पे नारायण है, यहाँ लेडीज अपना गाना गाना स्टार्ट कर रही हैं। आने का ही मन नहीं करता है, देखिए आप भी सुन रहे हैं, बहुत सुंदर। हरी बोल हरी बोल।